मीटिंग है वो होने वाली है, लेकिन क्वेश्चन जो आज मैं एड्रेस कर रहा हूँ और जो बात करना चाह रहा हूँ आप लोगों के साथ, वो ये है कि चाइना जो है वो क्वाड से इतना ज्यादा क्यों वरिड है। और अगर आप रिसेंटली कुछ चाइनीज स्टेटमेंट्स देखने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा कि चाइना इसको कह रहा है ये एक एशियन नेटो है। चाइना इसको कहता है कि जी जो क्वाड मेंबर्स हैं वो गैंगिंग अप कर रहे हैं, गैंग अप कर रहे हैं एशिया पैसिफिक रीजन में, और कहीं पे क्वाड्रिलेटरल डायलॉग हो रहा है, कहीं पे ट्राइलेटरल डायलॉग हो रहा है, और इसको एशियन नेटो कहना और ये चीजें कहना जारी बात है, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस फॉर द चाइनीज, बिकॉज उनको पता है कि ये उनके बैकयार्ड पे कितनी बड़ी तब्दीली आ रही है। राइट अच्छा सुनिए जी, एक क्वाड क्योंकि एक इम्पोर्टेंट बड़ा फोरम है, जब बना था उस वक्त तो खैर बड़ा एक शोर शराबा था पूरी दुनिया में, अब थोड़ी सी खामोशी हो गई है, अब फिर जापान के अंदर क्वाड समिट होने लगी है, एक तरफ रशिया यूक्रेन वॉर भी चल रही है, तो अब इम्पोर्टेंस मेरे ख्याल ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि जी चाइना रशिया के साथ है, काफी हद तक बैन लगा हुआ है रशिया के ऊपर, मजीद कुछ पाबंदियों के बारे में भी हम सुन रहे हैं इस वक्त। हिंदुस्तान के लिए भी कोई ऐसी चीज है वहां पर, या मतलब नहीं नॉर्मल है सारा कुछ, बस ठीक है क्वाड में जिस तरह एंटर हुए थे उसी तरह रहेंगे, कोई उनके ऊपर ऐसी कोई चीज नहीं आने वाली रशिया के साथ उनका ताल्लुक हो या ना हो। देखिए वगर भाई, जो क्वाड की जो क्वाड बना था जी वो अगर आप देखेंगे तो वो अगर अपन चार ममालिकों को जोड़ेंगे तो क्वाड्रिलेटरल बनता है, इसीलिए इसका नाम क्वाड पड़ा। क्वाड है, बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल इसकी इसकी शुरुआत हुई थी जब इंडियन ओशन में सुनामी आई थी, तब बोला यार ऐसा कुछ बनाए ताकि हम ना ये इसको थोड़ा मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट करें। ये ठंडे बस्ते में पड़ गया था। चाइना के वायरस जी अटैक के बाद ये एक्टिवेट हुआ, क्योंकि देखिए जो हमारे सी रूट्स है दे हैव टू बी ओपन फॉर नेविगेशन, इंटरनेशनल रूल्स लगते हैं उनपे। पर चाइना जी कहता है समंदर भी मेरे बाप का है, ददी ददी वरुण के सपने में है सारा समंदर मेरा। भाई वैसे तो बात बनेगी नहीं। अब हुआ क्या कि अभी जो क्वाड समिट हो रहा, पहली बात तो फकर भाई इट इज ऑन ट्रैक एज यूजुअल हो रहा, मोदी जी जा रहे हैं करने। दूसरी बात, अभी क्वाड में आपने एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखी होगी और इसमें ये इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, वैक्सीन की बात होती है, इकोनॉमी की बात होती है, ट्रेड की बात होती है, पर इसमें मिलिट्री की बात नहीं होती, पर साथ में मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते क्वाड के देश। क्वाड में मिलिट्री की बात नहीं थी, वो मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते हैं। जी और ये मैं बोलूंगा, अगर कोई आज बोले कि क्वाड डज नॉट हैव अ मिलिट्री एस्पेक्ट, इट इज एब्सोल्यूट एब्सर्डिटी। वही मतलब मतलब वो एक कहावत है ना अंग्रेजी में, इवन इन अरमानी होटल बेडरूम्स डोंट हैव ग्लास डोर्स, वी ऑल नो व्हाई। तो ये वही वाली बात है कि भाई अगर क्वाड में कोई बोले मिलिट्री चैप्टर नहीं है जी, मिलिट्री का चैप वो लिखा नहीं गया है, मैं उनको यही बोलता हूँ भाई एक बात बताओ, हाउ डू यू नो हैज क्वाड एवर डिक्लेयर्ड इसमें मिलिट्री चैप्टर नहीं होगा? आपको ये कैसे पता मिलिट्री फ्रेमवर्क रेडी नहीं? आपको ये नहीं पता कि अलायंस का क्या जो भी सांचा डालना है, जो भी उसमें चीजें डालनी वो रेडी कब होगी? बट फखर भाई उसको कब अनाउंस किया जाएगा, कब डिक्लेयर किया जाएगा, दिस डिपेंड्स ऑन जियो पोलिटिकल सिचुएशन, बिकॉज टूडे यू आर होल्डिंग समथिंग विच हैज बिग पोटेंशियल, यू आर नॉट गिविंग इट आउट। अब चाइना की नींद उड़ी पड़ी कि क्वाड में हो क्या रहा, क्वाड वाले कह बस कुछ नहीं है जी, वैक्सीन वैक्सीन की बात हो रही है, ट्रेड ट्रूड हो रहा। अब चाइना को भी पता है यार, मतलब वैक्सीन की बात करने के लिए क्वाड बनाने की जरूरत है, ट्रेड वाले करने के लिए क्वाड, उसके लिए तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा। अब वहां बैठ के हक्का नूडल तो डिस्कस हो नहीं रहा, अब क्या हो रहा है ये भी नहीं बता रहे उनको, क्वाड ये भी नहीं बता, मिलिट्री अलायंस नहीं है। और देखिए मिलिट्री वर्ल्ड में सरप्राइज इज द बिगेस्ट वेपन, क्या बना रहे हो क्या? क्योंकि अगर आज आप कुछ बताते हो चाइना माइट ट्राई टू काउंटर इट, बट अब आप तब अनाउंस करोगे जब आपको फायदा होगा, उनके काउंटर का टाइम ही नहीं होगा। वैसे भी फखर भाई जी जिनपिंग को सुनने में कुछ सेरेब्रल हेमिस्फिया हो गया है कुछ, एंड वो एक डिजीज है जिसमें आपकी जो नसें हैं दिमाग के अंदर वो पतली हो जाती है, डिकेन में बर्स्ट। और मैंने आपको याद है 2 साल पहले मैंने आपके शो पे प्रेडिक्ट किया था, ये वायरस वायरस पीक पे था, मैं कहा फखर भाई एक दिन बताएंगे कि जी की तबीयत बहुत खराब हो गई, उन्हें घातक रोग हो गया, फेटल डिजीज हो गई है, और एक दिन क्योंकि डिक्टेटरों के साथ फिर यही होता है, व्हेन डिक्टेटर्स बिकम अ लायबिलिटी टू द कंट्री, सडनली उनकी हेल्थ की प्रॉब्लम बताई जाती है और कुछ ऐसी डिजीज बताई जाती है भाई देखो ये मेडिकल से बाहर है, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस रीजन में तो मेरे ख्याल चाइना एज ए थ्रेट, मतलब एज ए थ्रेट लिया जाता है उसको, जो भी मतलब हिंदुस्तान अपने तरीके से देखता है, पाकिस्तान अपने तरीके से, जापान के भी बड़े मसाइल हैं उनके साथ, बिल्कुल बिल्कुल तो वहां पे इस हवाले से तो चाइना तो लाजमी सी बात है, वो ये तो नहीं है कि वो बेखबर है इस चीज से कि जो जो कुछ हो रहा है और मुझे ही घेरा जा रहा है। देखिए फगर भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने,
ये वही वाली बात है कि मतलब अगर शादी में दूल्हे का जिक्र ही नहीं तो शादी किस बात की। तो ये वही वाली बात है। भाई दुल्हन ने घूंघट कर रखा, हमें बोला दुल्हन तो है ही नहीं, पर घूंघट के पीछे है ना, जी जी दुल्हन तो है। तो अब फगर भाई चाइना को क्या आज जो गेम प्लान जो मुझे समझ आता है, क्वाड क्या चाहता है मिलिट्री वाइज, ना वो डिक्लेयर हो रहा ना उसकी भनक चाइना को लगने दे रहे, तो चाइना को एक्ट करने का टाइम ही नहीं देना है। डॉक्ट्रिन क्या होगा, क्योंकि अगर आप 10% बोलोगे तो चाइनीज डिफेंस एनालिस्ट कैन डिकोड इट बाय 30-40%, तो हाँ मोटा मोटा ये लग रहा है। अगर आप कुछ बोलोगे नहीं वो डिकोड क्या करेंगे। और ये सब चीजें देखिए, ये मोदी जी के लेवल पे या जो बाइडेन साहब के लेवल पे नहीं होगी, पीछे कमेटी होगी, पीछे कुछ जनरल होंगे जो इस पर काम कर रहे होंगे, लोग मिल रहे होंगे, काम कर रहे होंगे, जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स है, क्या करना है क्या नहीं करना। अगर आप अभी देखो, हमें चांगी का बेस भी मिल गया है, जापान के साथ हमने रिफ्यूलिंग का अरेंजमेंट भी कर लिया, काफी छोटे छोटे स्टेप्स हैं। अगर चाइना आज बात करता स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की, देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ डायमंड्स, अगर आप उसको एनालाइज करें तो वी हैव लिटरली काउंटर चाइना।